नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश साहू सुल्तानपुर गोट फार्म से। दोस्तों, आज हम आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं जिन्होंने करीब 4 से 5 साल पहले हमारे ही स्टोर से इन्होंने ट्रेनिंग किया और इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो अरुण जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है आपके? सब ठीक है, यही बकरी अपना देखने आए थे जो दिए थे, और अभी जाना है देखने के लिए। महीने में एक बार या और दो बार मैं चक्कर लगा के देखता हूँ। तो अभी क्या सिस्टम क्या है काम करने का आपके अभी पास? सिस्टम तो ये है कि मैं जब आपके यहाँ से ट्रेनिंग लिया तो हमको कुछ समझ में आ गया, तो अभी तो हमारे पास तो वो मतलब अभी हम अपना फार्म बनवा नहीं पाए हैं, मगर ये हम वहाँ मंडी से देसी बकरी लेके आते हैं और अपने गांव और कुछ दूर दराज जो हमारे पहचान के हैं, जैसे ये प्रतापगढ़ में हमारा कुछ खास लोग हैं वहाँ दे देते हैं। सुल्तानपुर मेरा घर है, मैं अपने यहाँ दिया हूँ। हमारा ये सुल्तानपुर के बाद ये जौनपुर लगता है, जौनपुर में मतलब 15 उधर है जौनपुर ज़िले में और 15 से 20 यहाँ सुल्तानपुर में है और 18 यहाँ प्रतापगढ़ ज़िला, ये कोंडाउर के पास। तो यहाँ पे आपने फार्म पे दिया है या इसे किसान को दे दिया है? इसको हम यहाँ पे इसको हम लाए थे अपने फार्म के लिए, लेकिन हमारा अभी फार्म जो है तैयार नहीं हुआ है, तो हम अभी किसान को ला के दे दिए हैं उसको अधिया के तौर पे। तो ये कैसे क्या सिस्टम है इसका, अधिया सिस्टम जरा इसका बताएंगे? सिस्टम ऐसे है सर कि जैसे हमें हमने इनको बकरी दिया, ठीक है, तो अब उसका जैसे इन्होंने खिलाया पिलाया या चराई की कुछ किया, अगर वो तैयार हो गई, अगर वो गाभिन होके बच्चे देती है, हाँ। तो उसमें का जैसे पहला बच्चा हुआ तो पहले बच्चे में आधा आधा वो मतलब हो जाता है अपना। अच्छा, हाँ। और अगर और दो बच्चे होते हैं तो एक उसका हो जाता है और एक हमारा हो जाता। अच्छा, मान ली एक बकरा एक बकरी हुई तब तो उसमें यही पूछेंगे कि आपको जो मर्जी हो ले लीजिए, हमारा आपका, हाँ, हमारा आपका तालमेल है भाई। अच्छा ठीक है। दूसरा चीज की कुछ शर्तें हैं आपकी देने? हमारे शर्तें ये हैं, मैं देता हूँ आप उसको ले जाइए खिलाइए पिलाइए, अगर बीमार पड़ती है तो मैंने आपके यहाँ से ट्रेनिंग लिया था सुल्तानपुर से, तो वो ट्रेनिंग में जो हमको सिखाया गया था उसका इलाज हम खुद अच्छा अपने हिसाब से करते हैं। तो इलाज का खर्चा आप देते हैं? इलाज का खर्चा हम पूरा देते हैं। ठीक है। डिवार्मिंग भी हम भी कराते हैं अभी, और क्रास की बात आई, हाँ। तो क्रास हम अपने हिसाब से कराएंगे। आपके पास ब्रीडर है? हमारे पास ब्रीडर है। अच्छा। अगर मैं देसी बकरी देता हूँ तो हमारे पास बड़े नस्ल का ब्रीडर है, मैं उससे क्रॉस करके इसका जो है बच्चा। मान लीजिए किसी ने खुद से क्रॉस करवा लिया तो वो तो अगर जो खुद से क्रॉस करा लिया तो वो फिर समझ लीजिए कि वो गड़बड़ उतना, हाँ, गड़बड़ है, उतना अच्छा बच्चा नहीं होगा। एक तो बकरी देसी रहेगी, बच्चा भी देसी निकल जाएगा, हाँ, तो उसका दाम तो नहीं, उसका कोई मायने नहीं है, वो फिर सारा माल कट्टू में ही जाएगा। हाँ, नहीं ठीक है, आपका सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, आप सस्ते दाम पे बकरियां लेकर के बड़े ब्रीड से क्रॉस करा के, हाँ, अच्छा बच्चा निकालते हैं, हाँ, 70% प्योरिटी आ जाती है बच्चे 70% आ जाती है, तो अगली बार में आपका 100% प्योरिटी आ जाए। हाँ, 100% में हमारा प्योर आएगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने बकरी अभी दिखाता हूँ। ठीक है, बकरी देख लेंगे आप। अभी चुगने आई है। थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि आप डिवार्मिंग जो करते हैं तो किस चीज से डिवार्मिंग करते हैं? डिवार्मिंग हम पहले तो हम अल्बेंडा जाल देते हैं। अच्छा। अगर उससे नहीं काम होता है तो कीड़ी की जो है वो नील जान जो, हाँ, नील जान लाते हैं वो सीसी भी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे देखिए अल्बेंडा जाल काम करती है, वो प्रेग्नेंट बकरी को नहीं दे सकते हैं, आप नहीं जानते दे हैं, सकते, तो आपको बताया था, नहीं तो उसको नहीं दे ठीक सकते। है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेनिंग इंसान को और मजबूत बना देती है, ये ट्रेडिशनल तरीके से जो काम लोग कर रहे थे उस चीज को इन्होंने कॉमर्शियली रूप दे दिया है। अब इनके पास लगभग 50 की बकरियां हैं, इनका टारगेट है कि दीपावली के पहले पहले 60+ बकरियां ये दे देंगे, सब अधिया पे, इन्होंने अपना एक समूह बना रखा है। हाँ, दो कुछ, बकरी से स्टार्ट किए अच्छा थे, दो बकरी से आपने स्टार्ट किया था, 5 साल में हमारे पास 50 के लगभग हो गई हैं, और यही है जैसे हमारे घर पे खुद का गाय है भैंस है, तो उसके लिए
साल भर में एक बार बारिश के समय में डॉक्टर सरकारी आते हैं, उसको टीकाकरण करके जाते हैं। अच्छा, बकरियों का टीका? लेकिन बकरियों का कभी कोई भी ना डॉक्टर आता है ना कोई पूछता है। जिसके पास है अगर वो प्राइवेट डॉक्टर से अगर काम करवाता है, इलाज करवाता है, ठीक हो गई तो ठीक हो गई, नहीं तो दो चार दिन में मर जाती है, तो उसका उसकी जो है बकरी का लॉस हो जाता है। आपने कोई गरीब आदमी का आपने कुछ बकरियां ऐसे खरीद के उसको आपने सही कर लिया था? हाँ, वो तो हमारी मरती हुई बकरी उन्होंने ले लिया और ट्रीटमेंट हमारे द्वारा, हमारे ग्रुप के, हमारे सीनियर के द्वारा ट्रीटमेंट करके इन्होंने उसको फिट कर दिया। जी जी। अब वो बकरी बहुत ही स्वस्थ है, दो बार बच्चा भी कर चुकी है। तो ये चीज़ हम अपडेट लेते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स का। तो अभी आप कुछ जानवर देख सकते हैं? अभी आप हमारे, हाँ जानवर हैं, अभी आप देख लीजिए, एक नज़दीक में है और अभी दो जो है बच्चे। अच्छा, इसको हमने एक साल पहले जो है इसको खरीदा था, तो ये जो माता जी हैं इन्हीं को हमने अधिया पे दिया था। अच्छा, तो इसको खरीदने के ठीक एक महीने बाद माता जी के खुराक से, चराही से ये प्रेग्नेंट जो है प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, लेकिन प्रेग्नेंट तो हुई लेकिन दो महीने बाद ये बच्चा फेंक दिया। फिर उसके बाद हमने इसको देखता रहा कि कब ये क्रॉस होगी, कब होगी, लेकिन ऐसे ये चराने और खिलाने में कब में ये बकरे के साथ में क्रॉस हो गई। आज आज इसका ये देख लीजिए अडर, ये जो अडर आप देख रहे हैं, ये कम से कम 10 दिन से 15 दिन के अंदर में बच्चा करने वाली। नहीं, बकरी तो काफ़ी भारी है और काफ़ी चिकनी भी है, इस हिसाब से इसकी बॉडी स्किन है काफ़ी चमकीली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिर्फ चराई के जानवर हैं, ये चराई के जानवर हैं जो कि हमारे अरुण जी ने उर्फ रिंकू जिन्होंने ये जानवर अधिया पे दिया था। और काफ़ी इसी तरीके से इनके काफ़ी जानवर ऐसे ही हैं, 50-50 पर हैं। अच्छा, और ये इसका बच्चा देखो, अभी अभी ये इसको बच्चा दिए हुए 2.5 महीना हुई है, अभी ये क्रॉस होने के लिए फिर आ गई है, अभी बच्चा दूध पी रहा है, ये अभी जो है कचड़ा जो है दे रही है। अच्छा, तो ये 10 दिन हफ्ते में चाहे जब ये क्रॉस हो जाएगी। ये बकरी आपने कब लिया था? इसको हमने लिया था अभी 10 महीना हुआ है। 10 महीने ये बच्चा उसका है? ये बच्चा उसका है। बकरी कितनी लिया था आपने? वो बकरी हमने 2500 रुपये का लिया था। 2500 की बकरी लिया था आपने 10 महीने पहले। और ये क्या है, ये बकरा बकरी? ये बकरी है, ये बकरी है, बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय इसकी कीमत 3500 रुपये है। मैं खुद इस बच्चे का 3500-4000 रुपये तक दे सकता हूँ, क्योंकि ये नस्ल में है गुलाबी में है, इसके आँख कान सब गुलाबी हैं। बस एक बार ये सोजा से क्रॉस हो जाए फिर उसका बच्चा देखिएगा आप। 2500 की बकरी सिर्फ चराई पर है और एक पटिया मिली है 10 महीने में, और फिर से वो क्रॉस हो चुकी है सफ़ेद बकरे से। अब ये पटिया जो है कम से कम 3-4 महीने बाद ये भी हीट करना शुरू हो जाएगी। 7 महीने तक इसको क्रॉस कराएंगे, उसके बाद फिर इससे प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये है इनका, अरुण जी का सिस्टम। और अरुण जी एक चीज़ मुझे पूछना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, रूल आप जैसे कुछ होता नहीं है कि लिखा पढ़ी कुछ करते हैं, कैसे क्या करते हैं? अभी जैसे ये हमारा गांव का हो गया, तो हमारे जो व्यवहार में है, जो मित्र हैं, इनसे हम बात और विश्वास पे रखते हैं। अच्छा, और जो दूसरे गांव के हैं, जैसे हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर, तो इनसे जो है, इनसे कुछ जो है लिखवा के, मतलब एक दो आदमी से गवाह बना लेते हैं, तो 1-2 महीने में हमसे उनसे मेल जोल होता रहता है, तो हमारा उनका मिलन होता रहता है। अच्छा, तो वही गवाह के रूप में उनको दे दिए थे। अच्छा, कभी कोई दिक्कत आई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कभी कोई इसे कोई नुकसान हो गया, कभी नुकसान हुआ हो या कोई अभी बकरी तो नहीं हुआ है? और वैसे भगवान के दया से होने भी नहीं दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। तो अरुण जी अभी तो आपके जानवर तो काफी दूर दूर हैं, तो वहाँ तो जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। उधर भी दिख रहे हैं, ये सारे जानवर इन्हीं के हैं जिन्होंने दे रखा है इनको अधिया पे, तो काफ़ी दूर दूर हैं, उतना दौड़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो अभी यहाँ पे भी आपके पास कुछ जानवर हैं? अभी यहाँ हमारे 8 जानवर हैं। अच्छा, 8 जानवर अभी मौजूदा में यहाँ पे 8 जो है चरने के लिए आए हैं। अच्छा, और जो 2-4 हैं वो अपने अपने घर लेके चले गए। इतने अभी यहाँ पे मौजूदा हालत में हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से किसी को पकड़िए, बुलाइए, कोई आएगी पकड़िए।
ले 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 पकड़। हाँ बस बस अधिया पे दिया था। हाँ ये जो बच्चा है हाँ। उन्हीं के घर का है। अच्छा वो एक मिस्त्री है, उन्हीं का लड़का है ये। अच्छा हाँ ये जो है चरा रहा है, ये है और ये जो आपके पीछे है और ये जो है चार, मतलब 6-7 बकरी ये चरा रहा है बच्चा। बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा? क्या नाम बताओ? सुधाकर। सामने इसको तुम चराते हो? खाने में अच्छी है ये बकरी? बोले जाम बड़ी। अच्छा ये बकरी क्रॉस हो चुकी है, गाभिन है। गाभिन है ये तो आपके पास रिकॉर्ड होगा ना? हाँ हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, ये गाभिन हो चुकी है। हाँ 2 महीने के करीब में ये गाभिन हो चुकी है। अच्छा। डेट जो है देखना पड़ेगा। अच्छा सबका रिकॉर्ड रखते ना? हाँ हाँ जितनी है सबका रिकॉर्ड रखता हूँ, कितने महीने में क्रॉस हुई है या कितने महीने में ये बच्चा करेगी। और इसके वैक्सीन वगैरह का रिकॉर्ड भी रखते हैं? हाँ इसका जैसे अभी इसका कि वो कीड़ा का दवाई हमने बारिश के पहले दे दिया था। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। एक बार इसका बात सर ऊपर करेंगे जरा सा, ये क्वालिटी दिखाएंगे हमारे। ये प्योर बर्बरी है? प्योर बर्बरी। और इसका थोड़ा सा साइड से देखते हैं, इसका थन दिखाएंगे जरा। थन अभी थन अभी थन एक महीने बाद से। हाँ अभी तो बहुत छोटे हैं। ठीक है बढ़िया है, ये क्वालिटी एक नंबर की है। और हम तो कहेंगे कि आप इसी नस्ल पे काम करिए, यही अब ये इसी को बढ़ाएंगे। और अभी एक ब्रीडर लेना है। अच्छा इसी नस्ल का? हाँ ये क्या हाइब्रिड का है? सही है। हाँ पेवर हाइब्रिड है। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम आपका दोबारा से एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी गिनती 60 के ऊपर हो जाएगी। ठीक है ठीक है, 2-3 महीने बाद ही मिलेगी। ठीक है धन्यवाद।